आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने वीवो फ़ोन में मैसेज रिंगटोन कैसे हटाएं या फिर अपने वीवो फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे हटाएं। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में आएंगे तो नीचे आइए, नीचे आकर ये साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करिए। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में आएंगे तो अब नीचे आइए, और अब नीचे आएंगे तो आपके फ़ोन में ये सिम वन रिंगटोन आएगा, सिम टू रिंगटोन आएगा, इसके नीचे नोटिफिकेशन रिंगटोन आएगा या फिर मैसेज रिंगटोन आएगा। तो ये नोटिफिकेशन रिंगटोन पे क्लिक करिए। यहाँ पे अब आपके फ़ोन के सारे रिंगटोन आ रहे हैं। तो जैसे कि फ़िलहाल हमारे फ़ोन में ये वाला रिंगटोन सेट है। अगर आप अपने फ़ोन में मैसेज का रिंगटोन चेंज करेंगे, इस रिंगटोन को हटाकर कोई दूसरा रिंगटोन सेट करेंगे, तो इनमें से जो रिंगटोन सेट करेंगे उस रिंगटोन पे क्लिक करिए। हमने जैसे कि ये वाले बेल रिंगटोन पे क्लिक किया तो अब ये पुराना वाला रिंगटोन हट गया है और ये दूसरा रिंगटोन सेट हो गया है। तो इस तरीके से रिंगटोन को चेंज करें। अगर आप रिंगटोन को हटाएंगे, रिंगटोन को बंद करेंगे, कोई साउंड सेट नहीं करेंगे मैसेज के लिए, तो ऊपर ये नो रिंगटोन आएगा, तो आप ये नो रिंगटोन पर क्लिक करिए। और ये नो रिंगटोन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके फ़ोन में मैसेज रिंगटोन हट गया है। अब मैसेज आने पर कोई साउंड नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।